अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार में होंगे आज के शो के। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बहुत ही मज़े के चॉप्स बनाएंगे। मैंने आपसे कहा है ये जितनी डिशेस मैं पिछले 3 हफ्ते या महीने भर से करा रही हूँ, गोश्त ही गोश्त, मटन चॉप्स, बीफ, तो खैर बहुत कम यूज़ किया है मैंने। तो प्लीज़ ये सारी रेसिपीज़ आप आगे के लिए सेव कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला अगले महीने ईद उल अज़हा आ रही है तो आपको बहुत काम आएंगी ये रेसिपीज़। और फिर मत कहिएगा कि ईद के लिए कुछ करा दें, ठीक है? इसलिए कि अब इंशाल्लाह फिर जब जैसी चिकन तो खैर अब हर कोई खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी चीज़ नहीं अब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अगले हफ्ते से हम फिर चिकन भी बनाएंगे। लेकिन आप ये रेसिपी सेव कर लीजिएगा सारी जितनी आपने पिछले दिनों में और अभी भी सीख रहे हैं, ठीक है? अगले हफ्ते भी बहुत कुछ है मटन का और बीफ का। ओके, आज हम बनाएंगे चटखारा चॉप्स और हम बनाएंगे मटन ग्रीन हांडी और हम बनाएंगे टिक्का स्पेगेटी कैसरोल। और टिक्का स्पेगेटी कैसरोल में हम डालेंगे प्रॉन्स, ठीक है? प्रॉन्स से मैं बनाऊँगी इसको। आज हमारे शो पे एक ब्रांड है जिसका नाम है ब्यूटी चार्म्स, और ब्यूटी चार्म्स एक प्रोडक्ट है आपके फेशियल के लिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसकी। और ये हर पाकिस्तान में 24 गोल्ड फेशियल इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, सबसे पहली कंपनी है, ठीक है? इनकी 30+ प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं इनकी। तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात आपको आगे मिलती जाएगी मेरे शो पे। इंशाल्लाह 12 बजे तक एक गेस्ट भी हैं तो वो आप, मैं उनसे पूछती जाऊंगी तो वो आपको मज़ीद मालूमात देती रहेंगी। तो क्या ख्याल है, चलें अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और आज का शो मिस नहीं कीजिएगा, तीनों चीज़ें बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है? और इंशाल्लाह ब्रेक आ चुकी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको मिलेंगे अपने किचन में और फिर आपसे मज़ीद बातें भी होती रहेंगी। आप कॉल्स भी करिए, आपके सवालों के जवाब भी देंगे, फरमाइशें आपकी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम बढ़ रहे हैं अपने किचन की तरफ और आज की रेसिपीज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं शो की तरफ जाऊं, मुझे थैंक यू करना है हलीमा का। बहुत प्यारी मेरी स्टूडेंट है, बहुत ही प्यारी, बेटियों से जैसी, और उसने ये मुझे जोड़ा इतना खूबसूरत सा बना के भेजा है तो मैंने कहा मैं आज ज़रूर शो पे पहनूंगी और उसका थैंक यू करूंगी। थैंक यू सो मच, आई लव योर चॉइस, जजाक अल्लाह बेटा, जीते रहो। जी जनाब, अच्छा जी, शो को स्टार्ट करने से पहले आज मेरी बहुत ही प्यारी बहन इस्लामाबाद में सफूरा जावेद, उनकी आज बर्थडे है, तो मैं अपनी तरफ से, अपनी बच्चियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे सफूरा। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हम लोगों की ये बाउंडिंग को, ये मोहब्बतों को ऐसे ही हमेशा कायम रखे, हासिदों के हसद से, नज़र बद से बचा के रखे, आमीन। मेरी एक और स्टूडेंट है शाहिदा, उसकी भी आज बर्थडे। शायदा हैप्पी बर्थडे, मुझे पता है आप मेरा शो देखते हो, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, खुश रहिए, मिलेंगे दोपहर में इंशाल्लाह। ओके जी, पहली रेसिपी हांडी, मटन ग्रीन हांडी। ओके, मटन ग्रीन हांडी के लिए आपको लेना है मटन। आप लोगों, मैंने हमेशा बताया है, मैं गोश्त जब भी अपने घर के लिए या शो के लिए मंगवाती हूँ हमेशा मिक्स मटन होता है मेरा। मैं ऑर्डर इस तरह से करती हूँ अपने गोश्त वाले को कि मुझे एक रान, एक दस्ती, चॉप्स, पुट, हर चीज़ मिला के तुम मुझे 6 किलो 7 किलो बना के दे दो। और फिर जब वो गोश्त मेरे घर आता है तो फिर मैं आराम से बैठ के उसके हिस्से लगाती हूँ, एक चॉप्स का पीस आए, एक पुट का आए,
और सीने सीना आई डोंट लाइक सीना आई डोंट यूज सीना दस्ती के पीसेस आए रान की बूटियाँ आएँ तो जिसको जो पसंद होता है वो फिर आप गोश्त ले सकते हो तो दिस इज मिक्स्ड ठीक है ये मेरे पास रखा हुआ है हाफ के जी मटन बॉइल्ड और कितना बॉइल किया है 3/4 बॉइल किया है क्वार्टर अभी आपके सामने पकेगा ओके बेहतरीन से शेफ वेयर हमारे लिए नए बर्तन आए ज़बरदस्त से आप लोग भी ख़रीदिए ऑनलाइन जाके इसको आप ख़रीद सकते हैं बहुत अच्छे वेरी नाइस ओके जी इसके लिए आपको हरा मसाला पिसवाना है ठीक है पीसना है पिसवा के पीस के कौन देगा पीसना है आपको इसमें आपको लेना है 8 छोटी वाली हरी मिर्चें ठीक है जो तेज़ वाली होती हैं इसी में हम डालेंगे 6 बड़ी हरी मिर्चें मोटी वाली जो फीकी होती हैं ठीक है वो हो गई इसके बाद मैंने इसमें 4 टेबलस्पून डाला है हरा धनिया और मैंने इसमें पुदीने के डाले हैं चंद पत्ते 8 बस ठीक है तो इस मसाले में है मेरे पास छोटी मिर्चें 8 अदद बड़ी मिर्चें 6 अदद हरा धनिया 4 टेबलस्पून पुदीने के 8 पत्ते ठीक है ये सब आपने ले लिया और इसको आपने बारीक पीस लिया इसी के लिए आपको चाहिए 1 प्याज दरमियानी साइज़ की उसमें आप 1 कप उसको आप छील लें 4 टुकड़े कर लें 1 कप पानी डाल के उसको बॉईल कर लीजिए इतनी देर बॉईल करें कि प्याज गल जाए और ज़रा सा उसमें पानी रहे कि आप उसको पीस सकें ये एक स्टेप हो गया हरा मसाला एक स्टेप हो गया ऐसे क्विक क्विक खाने बनाएं ताकि टाइम भी ज़ाया नहीं होता है और फटाफट चीज़ें बन भी जाती हैं इसमें हमने तेल डाला है 1/4 कप और लूर पाक का बटर जाएगा 2 ounces हांडी में मक्खन बहुत अच्छा लगता है लूर पाक बेहतरीन ब्रांड है यूरोपियन ब्रांड है हर जगह पूरे पाकिस्तान में हर जगह आसानी दस्तियाब है बड़ा सा बड़ा सुपरमार्केट हो छोटा से छोटा स्टोर हो आपको हर जगह मिल जाता है ये 4 ounces है मक्खन आई एम एडिंग 2 ounces दही मेरे पास 1 कप रखी हुई है क्रीम मेरे पास 1/2 packet रखी हुई है टेट्रा पैक की 4 ounces यूज होगी अच्छा इसमें अब हम सबसे पहले डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का और इसमें जाएगी प्याज चूल्हा थोड़ा सा बंद कर रही हूँ ना एकदम से ये उड़ेगा अच्छा जी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon बेहतरीन है ये इटालिया का ठीक है इसको आप अच्छी तरह से भूनिए ताकि प्याज का तो खैर कच्चापन नहीं है बिकॉज वो पक चुकी है लेकिन अदरक लहसुन का है ना ताकि इसका कच्चापन ख़त्म जैसे ही होगा 5 मिनट भूनूंगी फिर मैं इसमें ये बॉइल्ड मटन शामिल कर दूँगी अस्सलामुअलैकुम हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे आपसे ये कहना था, सॉरी क्या क्या? आप बहुत अच्छी हैं कसम से। हेलो कसम क्यों खा रही है? मुझसे बात नहीं, मेरी पहली बार कॉल लगी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं आपसे। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आप पूरी कर देंगी? बोले मुझे ना मैंगो जैम की आप रेसिपी रिपीट कर देंगी? अच्छा अभी करती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपकी ट्राई की हैं। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखें, बस मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच। देखें इसको अच्छी तरह आपको भूनना है, जब तक ये भूनना है मैंगो जैम। सिंदरी आम ले लें, जल्दी बना लें प्लीज़, वरना पता है मौसम जा रहा है सिंदरी का। चौसा से भी बन सकता है, लेकिन ये है कि सिंदरी में ज़रा फ्लैश होता है ना, बड़ा मज़े का लगता है, गूदा ज़्यादा होता है। अच्छा, आप लेंगे तकरीबन 1 किलो बड़े बड़े सिंदरी, इसको आप छीलेंगे, छील के उसके मोटे मोटे क्यूब्स काट लीजिए। क्यूब्स को आप वज़न कर दीजिएगा, 1/2 किलो क्यूब्स होने चाहिए। उसमें आपने 1/2 किलो चीनी डालनी है, ठीक है? 1/2 किलो चीनी, 1/2 किलो आम के क्यूब्स डाले। उसमें आपने 2 नींबू लिए अच्छे बड़े, और उसका आपने जूस निकाल के 2 नींबू का उसमें डाल दिया, और आपने तीनों चीज़ों को पतीली में या सॉस पैन में डाल के चढ़ा दें। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको हिलाते रहें, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आपकी जैम तैयार होती है। 10-15 मिनट आपको आप उसको हिलाते रहें, और फिर उसके बाद पोटैटो मैशर आता है, जिसे आप आलू मैश करते हैं, रखा नहीं है इस वक्त, तो उससे आप उसको 3-4 दफ़ा ज़रा सा प्रेस कर दो, ताकि आम थोड़े फौरन गल जाते हैं, लेकिन ये कि ज़रा सा अच्छा सा उसका थिक सा हो जाए, ठीक है? और बस आप उसको इतनी देर पकाएंगे, इसकी पहचान यह है कि आपकी जैम तैयार है। ऊपर इस सरफेस पे काफ़ी सारे बबल्स आने लगते हैं, ऐसे फुटक करके आवाज़ नहीं आती है, वो हंसे नहीं आप लोग, मजाक उड़ाते हैं मेरा, खैर वो आने लगते हैं इस तरह से, तो वो आएंगे तो बस। और अगर आपने ओवर कुक किया ना जैम को, वो रबरी हो जाएगी, मज़े की नहीं होगी। ये वाली इतनी अच्छी से स्पून आउट होती है, आप इंजॉय करेंगे। आप 2 किलो 3 किलो 4 किलो आम की बना के रख दें, जितना वज़न करके आम लेंगे उतनी ही चीनी पड़ेगी, ठीक है? और ये ख़राब नहीं होगी, आप इसको फ्रिज में रखो, पूरा साल आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी, ठीक है जी? इसी के साथ इसमें डाल दिया है मैंने बॉइल्ड मटन, और यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, विल बी राइट बैक। जी जनाब, ये देखें उस वक्त से गोश्त पक रहा है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये हरा मसाला, ठीक है? छोटी बड़ी हरी मिर्चें, हरा धनिया और 8 पत्ते पुदीने के, ज़्यादा पुदीना नहीं डालिएगा, काला हो जाता है। 1 कप दही, 1/2 teaspoon 1/2 teaspoon वाइट पेपर पाउडर इटालिया का 1/2 teaspoon ठीक है? मैंने बटर शुरू में ही डाल दिया था, आप चाहो तो आप आखिर में डाल देना। और इसमें जाएगी क्रीम 1/2 packet। बस अब 10 मिनट हम इसको कुक करेंगे, मज़ीद के
गोश्त में हमारे जो कसर बाकी है वो अच्छी तरह से गल जाए। खूबसूरत सी हांडी में आप इसको पेश कीजिए गरम गरम नान के साथ। That's it. ये शेफ के मुझे ये देखें जो नए इनके आए इतना खूबसूरत है फ्लैट ढक्कन है वेरी नाइस। इसको हम यहाँ रखते हैं और हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चिकन का स्पेगेटी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी मैं। बिल्कुल करिएगा। आपसे मुझे एक बात पूछनी थी, अभी जैसे आप बता रही मैंगो आए हुए हैं तो अगर हम मैंगो को शुगर डाल के फ्रीज कर दें तो उसके बाद हम उसको जैम बना सकते हैं? नहीं नेवर। उसका क्या तरीकेकार होगा अगर फ्रीज करते हैं मैंगोस को हम? मैं तो ब्लेंड करके करती हूँ। मैं अगर चीनी डाल के फ्रीज करती हूँ एक दो महीने अच्छे रहते हैं, उसके बाद उस पर काला काला आने लगता है। आई डोंट लाइक इट। मैं हमेशा अच्छा। पूरा साल मेरे घर में आप जब आ जाएं मेरे घर में आपको फ्रोजन मैंगोज मिलेंगे और मैं सिर्फ रतोल फ्रीज करती हूँ बिकॉज उसकी खुशबू 12 महीने तक रहती है। और अच्छा। उसके अलावा आपको जब आइसक्रीम बनाना है आपने निकाली, बच्चों को मिल्क शेक बनाना है पूरा साल आप बना के दे सकते हो, डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैम वैम नहीं बन सकती। ठीक है ठीक है ओके ओके आप अल्लाह हाफिज़। चिकन टिक्का स्पेगेटी, चिकन टिक्का बोल रही हूँ, इट्स नॉट टिक्का, इट्स नॉट चिकन, थी ये चिकन, आप आधा किलो बोनलेस चिकन जूलियन काट के भी बना सकते हो, लेकिन चूंकि ये मसला हुआ हुआ था तो इसलिए मैंने इसको प्रॉन कर दिया था। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले आपको झींगे लेने हैं। मैंने 750 ग्राम झींगे लिए थे तो वो साफ़ होने के बाद तकरीबन आधा किलो रह गए, और इसको आपको मैरिनेट करना है। पहले हम इसको मैरिनेट कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैरिनेशन में जाएगा आधा कप दही, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1/2 गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून योगर्ट, 1/2 कप, 5-6 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, अच्छी सी ब्रांड का ले लीजिए या मैंने भी आप लोगों को सिखाया है आप वो भी डाल सकते हो, टिक्का मसाला सॉरी 3 टेबलस्पून एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून हीट, बस। क्या क्या डाला इसमें, टिक्का मसाला 3 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये डाल के और आपने इसको मैरिनेट करना है चिकन हो या प्रॉन्स हो, और फिर आप इसको ग्रिल कर लीजिए। मैं इसको 5 मिनट छोड़ देती हूँ। अब हम बनाएंगे इसकी टोमेटो क्रीम सॉस। ठीक है, टोमेटो क्रीम सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए बटर,
3 ounce, उसमें 3 tablespoon जाएगा मैदा, नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, ब्लैक पेपर 1 teaspoon, मस्टर्ड 1 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 teaspoon, ऑरिगैनो इटालिया का 1 teaspoon, टोमेटो केचप 1/4 cup, टोमेटो प्यूरी 3 tablespoon, क्रीम 1 packet. ये सब कुछ उसमें जाएगा, पानी जाएगा उसमें और उसको हम कुक करेंगे. मैं इसमें वही करने जा रही हूँ. अच्छा जी, हम ले रहे हैं बटर. टू आउंस है मेरे पास, 3 जाएगा, कोई बात नहीं. मैं 2 डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं लूर पाक का बटर और साथ में थोड़ा सा ऑयल. टोमेटो क्रीम सॉस बन रही है स्पेगेटी के लिए. इसमें जाएगा मैदा 3 tablespoon, फिर सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, क्रश रेड पेपर, ऑरिगैनो, हर चीज 1 teaspoon. मैदा 3 tablespoon. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम आपा. वालेकुम अस्सलाम. आपा कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है. कौन बोल रहे हैं? पहली दफा कॉल किया आपके शो में. जी आपा बहुत अच्छा खाने पकाती हैं आप, बहुत दुआएं निकलते हैं दिल से ना. आपकी रेसिपी मैं ट्राई भी करता रहता हूँ. उन बच्चियों के लिए तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम है जो अपने घर से बाहर नहीं निकलती पर्दे की वजह से, तो वो आपके शो को देख के बहुत कुछ सीख सकती हैं. बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया. आपने वो शादी का एक कोरमा बताया था पकाना, तो मैं कई दफा वो ट्राई करता हूँ. मेहमान आते हैं ना जब, अच्छा, तो बहुत तारीफें करते हैं. वो जो आपने शादी का खाना बताया था ना, जी जी, जिसमें जर्दा और कोरमा पकाया जी, था, जी जी जी, बहुत अच्छा लगा वो. तो मेहमान जो भी खाते हैं ना, मैं और शादियों के खाने से खाऊंगी आपको इंशाल्लाह. आपके लिए दुआएं करती हूं. अल्लाह पाक आपका साया सादेर हम पर कायम और दायम रखे. फिर आपने एक वो चिकन बताई थी जो फ्राई करनी, वो मैंने ट्राई की ना, तो मेरे दोस्त की बहन कहती है भाई कहाँ से सीखी. मैंने कहा मेरी वालदा ने सिखाई है ये. बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी बड़ी मेहरबानी. जीते रहिए, खुश रहिए. अच्छा देखें, मैदा गया. मैदे के बाद मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट 1 teaspoon, ब्लैक पेपर इटालिया का 1 teaspoon, क्रश रेड पेपर 1 teaspoon, मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट 1 teaspoon, इटालिया का ऑरिगैनो 1 teaspoon. ये सब कुछ चला गया. अब इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप 1/4 cup या 4 tablespoon, टोमेटो प्यूरी 4 tablespoon, 2 cup पानी, एक पैकेट क्रीम, इसको हम कुक करेंगे, फिर इसमें हम क्रीम फोल्ड कर देंगे. यहाँ पे ब्रेक भी आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. मैंने यहाँ 2 tablespoon इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला और जो प्रॉन्स मैरिनेट किए थे तिक्का मसाला से, दही से, लेमन जूस से, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया से, उसको मैंने 1 tablespoon 2 tablespoon तेल डाल के बस सॉटे कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे हमारी टोमेटो क्रीम सॉस रेडी है. इसमें जा रही है 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में कटी हुई, 1 प्याज क्यूब्स में कटी हुई और स्पेगेटी. का पूरा पैकेट लिया है मैंने छोटा वाला.
बस इसको आप बंद कर दें, ज़्यादा नहीं पकाना है, ये अच्छा सॉसी रहना चाहिए। और ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, आप धुआं देना चाहें तो ज़रूर दे दीजिएगा। तेज आंच पे पकाएं हींगों को, 7 to 8 minutes बेहतरीन हो जाते हैं। थोड़ा सा जो इसका मैरिनेशन है रहने दें ताकि इसके अंदर वो टिक्का फ्लेवर आ जाए। मिक्स, देखें आज की जो हमारी तीसरी रेसिपी है वो है चटकारा चॉप्स, डीप फ्राई होंगे, ये भी बॉइल्ड है। अच्छा, इसको हम अपनी पायरेक्स की डिश में निकालते हैं, ऊपर से चीज़ डालेंगे, लूटपाक का बटर डाल के इसको हम बेक करेंगे। देखें कितना सॉसी है, मज़े का। लूटपाक बटर, सॉल्टेड ले लो, अनसॉल्टेड ले लो, आपकी मर्जी, आपकी खुशी है। जस्ट 1 ounce बटर गोज ऑन द टॉप। ठीक है, आप इसमें आप चीज़ डाल दो, चेडर चीज़ ग्रेटेड। मेरी कोशिश है आसान आसान खाने सिखाएं आपको, ताकि टाइम भी नहीं लगता है, आप उकता भी नहीं जाते हैं, गर्मी इतनी है और मज़े के भी होते हैं और हर चीज़ आपके घर में मौजूद होती है। प्रॉन्स नहीं है, यही रेसिपी आप चिकन से बना लो। सिर्फ 10 मिनट के लिए जाएगा 180 डिग्रीज पे, जब तक कि आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए। ओके, अब हम बनाएंगे एक बैटर। चटकारा चॉप्स के लिए आपको मटन चॉप्स चाहिए 750 ग्राम, ठीक है। इसको आपको बॉईल करना है, लहसुन इटालिया का 1 tablespoon, काली मिर्चों का पाउडर 1 teaspoon, चिली पाउडर 1 teaspoon, नमक 1.5 teaspoon, चाट मसाला 1 teaspoon, मस्टर्ड पेस्ट 1 tablespoon, सोया सॉस 2 tablespoon और 2 cup पानी। फिर रिपीट कर रही हूँ, मटन चॉप्स 3 पाव या 750 ग्राम, 2 cup पानी, गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 tablespoon, काली मिर्चों का पाउडर 1 teaspoon, चाट मसाला 1 teaspoon, लाल मिर्चों का पाउडर 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon हीप्ड या 1.5 teaspoon लेवल, मस्टर्ड पेस्ट 1 tablespoon, सोया सॉस 2 tablespoon और 2 cup पानी डाल के आपने मटन चॉप्स गला लिए, ठीक है। ये देखें मटन चॉप्स मेरे गले में। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे हम बैटर। बेसन 1/2 cup या 5 tablespoon,
इटालिया का कॉर्नफ्लावर हाफ कप या 6 टेबलस्पून हीट, ठीक है। बस इसका हम बैटर बनाएंगे पानी से, बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं। चॉप्स को इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसकी गार्निशिंग के लिए आपको एक सब्जियों का मिक्सचर बनाना है। कैप्सिकम एक जुलियन में कटी हुई, हरी मिर्चें वहाँ रखी हुई हैं दो लंबाई में कटी हुई, कड़ी पत्ता 10 से 12 या 15 से 15, और फिर नमक उस पर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा लूरपाक का बटर लेंगे और इसमें सब्जियों को टॉस करेंगे। फ्राइड चॉप्स को अपने बर्तन में निकाल के ये सब्जियाँ उस पर ऊपर से गार्निश करेंगे, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। हमारे शो पे आज ये है ब्यूटी चार्म्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके पास इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, और ये 24 कैरेट गोल्ड का ये इसमें फेशियल का ये नया इनका आया हुआ है। अभी आपसे फिर मेरा तो शो आज बहुत जल्दी हो जाएगा और फिर गेस्ट हैं हमारे पास, तो उनके साथ आप फिर मैं आपसे उनसे सवाल करूंगी, वो आपकी आपको जवाब देंगी ताकि आपको मज़ीद मालूमात हो जाए इस प्रोडक्ट के बारे में। मक्खन यहाँ रख रही हूँ, ये देख लीजिए बैटर, ठीक है, पोरिंग स्मूथ बैटर है। मैं आपके सामने एक दो दिखा देती हूँ, दावतों में वही 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 चीज़ें नहीं बनाया करें, इतना सिखाती हूँ आपको, पूरा वक्त 12 घंटे चैनल चलता है, शोज चलते हैं, कुछ नया बनाएं, डिफरेंट करें। समझ आ रहे, बेसन और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। चॉप्स बड़े मज़े के चटखारेदार हैं, इसलिए कि लाल मिर्ची, काली मिर्ची, चाट मसाला हर चीज़ इसमें मौजूद है। जी देखें ब्रेक आ गई है, ठीक है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं इंशाल्लाह। जब तक आप सो चुके होंगे फिर आपके सामने आके इसे वेजिटेबल फ्राई करके डालूंगी और पेश करेंगे आप। जी जनाब वेलकम बैक। ओके जी, ये देखें बटर, इसमें एक शिमला, हरी मिर्चें, आई एम सॉरी मैं कड़ी पत्ता, आई फॉरगॉट, इसको बस ज़रा सा आप ज़्यादा कलर वलर कुछ ख़राब नहीं करना है इसमें। अगर आप चाहें तो एक मोटी मोटी प्याज भी काट के डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता ज़रूर डाल दीजिएगा 10-12 पत्ते। ठीक है, बस हमारा शो हो गया मुकम्मल, हमने वो भी निकाल दिया है अपना पास्ता कैसरोल, प्रॉन टिक्का पास्ता कैसरोल। ठीक है, हमारे शो पे आज मेहमान भी हैं, और वो मेहमान भाई मेहमान नहीं है, मेहमान
घर वाली हैं हमारी, आज मेहमान बनकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम शिरीन आपा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसी हैं? इतने दिनों बाद आई हूँ। सबसे पहले तो ये ब्यूटी चार्म्स की तरफ से ये इनका 24-कैरेट गोल्ड फेशियल किट आपके लिए। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। अपनी यूथ को बरकरार रखने के लिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आज का मेरा आने का मकसद भी यही है कि अपने जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले, उनको बताएं कि ये ब्यूटी चार्म्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके जितने भी ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, तो इनके पास इन सब मसलों का हल मौजूद है। और ये एक ऐसा श्रीनापा ब्यूटी चार्म्स जो है ना, ये पाकिस्तानी ब्यूटी ब्रांड है। और इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर मिस्टर हारून, जिन्होंने 14 साल पहले 2007 में इस ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिली इनके इस ख्वाब को, इनके इस मिशन को लेकर चल रही है, और बहुत इस पर काम हुआ है, बड़ी रिसर्च हुई है। एन अमेजिंग ब्रांड। हैव यू यूज्ड इट? आई हैव यूज्ड इट। मैंने इनका ये जो 24-कैरेट गोल्ड फेशियल किट है, ये मैंने इस्तेमाल किया और मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। एक तो ये कि आपको एक बड़ी प्रोफेशनल सा आप फील करते हैं जब आप अपना मसाज कर रहे होते हैं, और वो पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें दर्ज दिया हुआ है कि स्टेप वन पर आपने ये क्रीम लगानी है, इसमें फेस पॉलिशिंग है, मतलब अगर आपको स्किन पे ग्लो चाहिए, आपने अपनी स्किन को एजिंग से बचाना है, आपने स्किन वाइटनिंग करना है, तो दिस फेशियल किट इज़ अमेजिंग। और इतने अफेक्टिव इसके रिजल्ट्स हैं कि जो एक बार इनके प्रोडक्ट्स ब्यूटी चार्म्स के यूज़ कर रहा है, वो बार बार इनका रेगुलर कस्टमर बनता जा रहा है। और एक अनाउंसमेंट सबसे पहले मैं करना चाहूँगी कि जो अगर आप लोग हमें देख रहे हैं इनके इंस्टाग्राम पेज पे, जो कि beautycharms.pk.global है, उस पर जाकर आप उनको फॉलो करते हैं और उस पर कॉमेंट करते हैं मेरी तस्वीर के नीचे, और 5 फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं, तो आपको ये वाला 24-कैरेट गोल्ड फेशियल किट विन करने का चांस है फॉर फ्री, जिसकी वर्थ 4,300 है। really? हाँ, और बड़े रीजनेबल एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस हैं इनकी तमाम प्रोडक्ट्स। और उन्होंने मुझे बताया था कि इसका इस डब्बे में जो सामान है उसमें 15 या 20 दफा फेशियल हो जाता है। 15 दफा, आई मीन आप सैलून जाते हैं तो आप एक फेशियल करवाते हैं, उस कॉस्ट में आप 15 दफ़ा फेशियल कर सकते हैं, मतलब पूरे साल के लिए। आप अपने अपने लिए रखें, या आप थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपर्ट बन के, ब्यूटी एक्सपर्ट बन के दूसरों का भी फेशियल कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगी थोड़ा सा लोगों को इसके बारे में। अच्छा, दूसरा ये कि ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं श्रीनापा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दुबई, सऊदी अरेबिया और बहरीन में भी ये अवेलेबल है। पाकिस्तान में इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो लाहौर में है। अच्छा। लेकिन इनके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कराची में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, पेशावर में, और इनके अपने पर्सनल राइडर्स हैं। अगर आप जाते हैं ऑनलाइन और ऑर्डर करते हैं तो विद इन 2 डेज इनके जो राइडर्स हैं वो आपको आपके प्रोडक्ट्स दे देंगे। अच्छा, मैं तो पहले ये आपको 24-कैरेट फेशियल, अच्छा ठीक है, फिर मैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। तो इस वक्त ब्रेक आ चुकी है, तीनों डिशेज आपके सामने रेडी हैं, तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आएंगे और इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे किरण के साथ। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग। मुझे बहुत मैं इंक्विजिटिव हो रही हूँ टू फाइंड आउट मोर अबाउट ब्यूटी चार्म्स की प्रोडक्ट्स, तो किरण इज देयर, तो आई वुड लाइक टू नो, किरण मुझे प्लीज बताएं। बिल्कुल श्रीनापा, क्योंकि इतने अमेजिंग प्रोडक्ट है ये और बहुत मकबूल हो रहा है, लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट बनता जा रहा है, और इसकी रेंज बहुत अच्छी है, मोर देन 30+ इनके प्रोडक्ट्स है ना, और वेरी अफोर्डेबल। ये मैंने ब्यूटी चार्म्स का 24-कैरेट गोल्ड फेशियल, ये आपको फ्री में मिल सकता है। मैंने आपको बताया था, इनके इंस्टा पेज पर जाइए, फॉलो कीजिए, कॉमेंट कीजिए मेरी तस्वीर के नीचे, और 5 फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए, तो ये आपको फ्री में विन करने का चांस है। इसके अलावा इनकी ये ब्यूटी क्रीम स्किन परफेक्ट है, ब्यूटी चार्म्स की, और ये आपके डार्क स्पॉट्स के लिए है। अच्छा। और एक्ने के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं ये उनको डिमिनिश करता है, प्लस इसमें भी एंटी एजिंग है, और ये आपकी स्किन को जो है वो इसको कब यूज कर सकते हैं, रात दिन को या दिन में? बेस्ट वैसे टाइम होता है रात में, जब आप अच्छे से क्लींस करते हैं। आप क्या करें, आप इनका ये फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए,
फेस वॉश इनका बहुत ही आपको एक फ्रेश फीलिंग देता है। सुबह आपने फेस वॉश इस्तेमाल किया और जब आप ये फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद बाहर जाते हैं, स्पेशली समर्स में, गर्मी के मौसम में, जब वो गर्म हवाएं और वो लू टाइप की चीज़ आपके स्किन को ना बहुत ही डल कर देती है, तो जब आप ये फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन को दिन भर ये तरोताज़ा रखता है, फ्रेशनेस का एहसास आपको देगा एंड इट्स रियली नाइस एंड इट वर्क्स वेरी वेल। इसके अलावा इनका ये फेस मसाज ऑयल है, आपको पता है मसाज कितना ज़रूरी है आपकी स्किन की, स्किन को टाइट करने के लिए आपको फेस ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, ये आपकी स्किन की टाइटनिंग के लिए है। आपकी एज से पहले रिंकल्स बढ़ जाते हैं, फाइन लाइंस होती हैं, उनको स्मूद आउट करता है, एक ग्लो लेकर आता है। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? ये ऑनलाइन, इनका ऑनलाइन है, इनकी वेबसाइट है और इनके इंस्टा पर आप इनको फॉलो कर सकते हैं, प्लस आप इनके फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट्स हैं, इनकी तमाम डिटेल्स हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड विद इन टू डेज इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, विद इन टू डेज आपको ये प्रोडक्ट्स इनके मिल जाएंगे। इसके अलावा इनका ये सीरम भी है, सीरम इज़ रात में लगाते हैं सोने से पहले ना, आपने सीरम लगा लिया तो कहते हैं कि सीरम लगाने के बाद आप धूप में ना जाएं, तो वो रात में अपना काम करता है और ये भी सारा एंटी एजिंग है, स्किन वाइटनिंग है इसमें, प्लस इनका ब्यूटी चार्म्स का ये वाइटनिंग क्रीम है फॉर सेंसिटिव एरियाज़। हम अपने सेंसिटिव एरियाज़ में मुख्तलिफ हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से यू नो वो स्किन काफ़ी ड्राई पैची सी हो जाती है, डार्क हो जाती है, तो उसके लिए ये वाइटनिंग क्रीम है फॉर सेंसिटिव एरियाज़। एंड इनकी प्रोडक्ट खास बात यह है कि मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं एंड किसी भी एज ब्रैकेट में आप हैं, स्पेशली टीनेजर्स बहुत घबराते हैं कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने से कि हमारे दाने निकल आएंगे, पता नहीं हमारी स्किन पे रिएक्शन ना हो, तो इफ़ यू आर अ टीनेजर इट्स सेफ़ टू यूज़ ब्यूटी चार्म्स के प्रोडक्ट्स, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनका नया आया है प्रीमियम हेयर ऑयल, आपके बाल गिर रहे हैं, बाल गिरने की शिकायत है, आपको डैंड्रफ की शिकायत है, आपके बाल लाइफलेस और डल हो गए हैं, उनमें जान भरने के लिए आप इनका ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करें और आपकी आपको इसकी स्मेल से ही लगेगा कि इसमें बड़े प्योर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आप रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपको इसका नतीजा मिलेगा। इसके अलावा दूसरे इनका कैफीन सीरम है, कैफीन सीरम आपके अंडर आइज़ एरिया के लिए है, अगर जैसे आपको डार्क सर्कल्स आपके हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात जागते हैं, तो आप ये कैफीन सीरम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं 10% ऑफ भी दिया जा रहा है बाय द वे इनके प्रोडक्ट्स पर, अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करेंगे और आपको 10% भी ऑफ दिया जाएगा कुछ भी आप ऑर्डर करते हैं। अमेजिंग ब्रांड है और किसी भी एज पर हैं, टीनेजर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा मैं खाली एक्सप्लेन पूरा नहीं करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा है ना श्रीनापा, आप जब ये किट ऑर्डर करेंगे ना, ये 24-कैरेट फेशियल गोल्ड किट, और बाय द वे दे आर द पायनियर्स पाकिस्तान में 24-कैरेट गोल्ड फेशियल को इंट्रोड्यूस करवाने वाला ये ब्रांड है ब्यूटी चार्म्स। इस पे देखिए ये नंबरिंग लॉन्च हुई है, कितने साल हो गए? 14 साल हो गए, 2007 में इन्होंने स्टार्ट किया था, बट अब ज़्यादा ये जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और पसंद किया जा रहा है, इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स लोगों ने देखे। अच्छा, ये पाउच पे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, कोई इसमें साइंस नहीं है कि जी मुझे समझ नहीं आएगा इतने सारे इसमें पाउचेज हैं, ये नंबरिंग दी हुई है, ये नंबर वन है, इसको आपने ग्लो क्रीम से मसाज करना है 10 मिनट्स, मसाज के बाद आप ये जैसे ब्लीच होता है ना ऐसे ये स्किन पॉलिश है, आपने ये स्किन पॉलिश इस्तेमाल करनी है इसके साथ मिलाकर, जैसे हम ब्लीच का मिक्सचर मिलाते हैं और कितना कितना मिलाना है रेशियो इसमें दर्ज है वो मिलाकर आप 15 मिनट रखेंगे, वॉश करेंगे, उसके बाद में आपने ये तो मास्क है, इसके बाद आप अपना क्लेंस करेंगे मॉइस्चर एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, उससे पहले आप ये रहा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के आपने ये स्क्रब लगाना है और स्क्रब के साथ भी आपने 10 से 15 मिनट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप कि आपकी अगर बहुत ही ड्राई स्किन है तो फिर आप ज़्यादा देर तक हम रिकैप पे चलते हैं। हाँ जी रिकैप पे रिकैप आ गया, तो अगर कोई चीज़ भी आपकी हाँ। आज की डिशेस की मिस हो गई तो आप चल के देखें हमारा रिकैप, स्टे विद अस। चटखारा चॉप्स मैरिनेशन के अज्जा, उबली बकरे की चापें 175 ग्राम, लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा,
नमक 1.5 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, तेल हंस पे ज़रूरत, सिरका 2 खाने के चमचे, बेसन 5 खाने के चमचे, गार्निश के अज्जा, शिमला मिर्च 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, मक्खन 50 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, उबली बकरे की चापों पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट कर लें। अब मैरिनेट की हुई चापों को मैदे और बेसन में कोट करके 20 मिनट गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। फिर फ्राइंग पैन में मक्खन गर्म करके सब्जियां 1 मिनट सौते करें और चॉप्स को सब्जियों के साथ सिजलर पर सर्व कर दें। मटन ग्रीन हांडी अज्जा, उबला बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, क्रीम आधा पैकेट, तेल 1/4 कप, मक्खन 2 औंस, छोटी हरी मिर्चें 8 अदद, बड़ी हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, पुदीना 8 पत्तियां, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, उबली पिसी प्याज 1 अदद। तरकीब, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना ग्राइंड करके रख दें। पैन में तेल गर्म करें और अदरक लहसुन और उबली प्याज शामिल करके 10 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें उबला मटन, तमाम मसाले और आधा कप पानी डाल के ढककर पकाएं। फिर इसमें दही और पिसे मसाले शामिल करें, आखिर में मक्खन डाल के सर्व कर दें। टिक्का स्पैगेटी कैसेरोल मैरिनेशन के अज्जा, झींगे आधा किलो, टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, दही आधा कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए। दीगर अज्जा, उबली स्पैगेटी आधा पैकेट, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, कटे मशरूम 6 अदद, टोमेटो क्रीम सॉस के अज्जा, मक्खन 3 औंस, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, केचप 1/4 कप, टोमेटो प्यूरी 3 खाने के चमचे, क्रीम 1 पैकेट, पानी 3 कप, कद्दूकश की हुई चीज़ 1 कप। तरकीब, झींगों पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट मैरिनेट करके ग्रिल कर लें। अब इन्हें दम दें और रख दें। टोमेटो सॉस के लिए तमाम अज्जा मिक्स करें और इसमें स्पैगेटी फोल्ड करके झींगे और सब्जियां मिक्स कर लें। अब इसे ओवन प्रूफ डिश में डालकर कद्दूकश की हुई चीज़ शामिल करके मक्खन लगाएं और 15 मिनट ग्रिल करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। किरण मुझे कन्विंस कर रही है सही की, हाँ ये यूज़ ज़रूर करिएगा आप, वाकई में बहुत अच्छा फील करेंगे। हाँ। मैंने भी इसको ट्राई किया और इसके मास्क भी इसमें दिया हुआ है जो आपके ओपन पोर्स को भी बंद कर देगा। तो इट्स एन अमेजिंग ऑफर आप लोगों के लिए भी है ये। आप ब्यूटी चार्म्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और अगर कोई भी इनके प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपको इंक्वायरी करनी है, आप इनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, beautycharms.pk.global पे उनके फ़ोन नंबर्स वहाँ पर दिए गए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कुछ भी अपने स्किन टाइप के हवाले से पूछना चाह रहे हैं और ऑर्डर दीजिए एंड अवेल द 10% डिस्काउंट आई मस्ट से। तो अब नेक्स्ट मिलेंगे, आपकी ग्लो ग्लो स्किन का राज क्या है शिरीन आपा? आप कहेगा ब्यूटी चांस। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये रेडी हो गया है हमारा सारी तीनों चीज़। किरण ट्राई करना थोड़ा सा। हाँ आपको पता है मैं हमेशा करती हूँ ट्राई। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी में खैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे, मेरी टीम को, हम सबको दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए
आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।